Isko bhi ek dost mil gayi hai abhi. Yeah. Wow. Anyways. Ah, wow. Yeah. Anyway. So uh, we have been uh, means, uh, watching you uh, acting on the screen with the, with the other directors and producer. Now you are a producer. So you are the owner of the movie itself, should say. So how different is uh, working as a producer and an, as an actor? Um, you get... Uh, how different is it? Yeah, because I am the producer of my own film, I can't throw tantrums anymore on set.

तो जो भी बाटर में मिल रहा है वो हम ले लेते हैं जहाँ पे भी प्लेटफॉर्म ज्यादा बड़ा मिल रहा है वहाँ आ जाते हैं तो एक एक ज़्यादा कमिटमेंट यू you नो know, दे सकते हैं हम एज प्रोड्यूसर एक्टर बट इट्स से टफ जॉब दोनों साथ करना आसान नहीं है इनफैक्ट मैं तो चाहूँगा कि मैं अलग एक एक दूसरे प्रोड्यूसर के लिए एक्ट करूँ और और एक दूसरे एक्टर को अपने प्रोडक्शन में काम दूँ ये मेरे लिए आइडियल होगा वेल प्रीति प्रीति ना सब Hi uh, I guess this is your first movie I uh, know this is my second okay so, uh, just uh, could you just please uh, tell something about your role and uh, how was it just working with uh, abe? since he is the producer he's the owner I mean to say how much uh, uh, he was just uh, uh, like uh, he was just holding on the script and all that how much he was kitna uh, interruption so what do you mean okay how much did he interrupt he didn't interrupt at all. Uh, the good thing about abe is he uh, he lets uh, the director um, you know do her thing uh, and equally with me as well uh, you know he just give me my space and um, yeah let me do my thing really so that was great um, a little bit about my character i play the uh, role of samara patel and um, she's been dancing since she was like really little so um, she has moved to she's moved back to india from abroad and um, the reason you'll see in the film, and um, yeah, she's very passionate. She's ambitious, and uh, you you see a journey through the film, and um, yeah, you, you see how she's, uh, you know, how people at one point get stuck and they're wondering what, what is going on in life. Uh, she hits that point, and then you see if you know if she actually climbs out of that box or not. Abhai, Abhai, hi, here, Pooja. Uh, अब अबे एज़ अ प्रोड्यूसर आप uh, पहली बार काम कर रहे हैं लेकिन काफी कुछ आपने फेस भी किया पहली बार ही तो अब आपकी फिल्म इस फ्राइडे रिलीज भी हो रही है तो क्या uh, आपको क्या लगता है कि जो प्रमोशन के लिए टाइम इतना कम मिला है तो उसके वजह से फिल्म पर कोई इफेक्ट पड़ेगा उसका um म्यूजिक अभी रिलीज हुआ है और हम सब जानते हैं कि म्यूजिक इतनी मायने रखता है यू नो एक बॉलीवुड फिल्म की मार्केटिंग के लिए तो तो मेरे पास सिर्फ पाँच दिन ही मिले हैं इन टोटल रेडियो प्ले के लिए मुझे अभी पता चला है कि आई पे फाइनली म्यूजिक लॉन्च हो चुका है लेकिन अगर आप सर्च करें तो आपको दिखेगा फ्रंट पेज पे नहीं दिखता है आ, पर कम से कम आ तो गया है तो वहाँ पे शायद कुछ असर पड़ा होगा या नहीं होगा मैं श्योरली कह नहीं सकता हूँ आपको वो तो फ्राइडे को मालूम पड़ेगा मुझे आ, मैंने एक स्टैंड ज़रूर लिया है आई थिंक uh, uh, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था एज ए प्रोड्यूसर मैं एक मुद्दे के बीच में फंस गया था मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता भी दिया और अपना स्टैंड भी लिया उसका फ़ायदा ही हुआ है जितना सपोर्ट मुझे पूरी इंडस्ट्री से मिला मतलब कि म्यूजिशन से रेडियो uh, स्टेशन वाले जो हैं टी वी चैनल वाले हैं जिनका uh, जिन्होंने मुझे सपोर्ट दिया वो इंस्परेशन मिली तो कुछ ना कुछ अच्छा तो निकला ही है उससे um, मगर जब सारी म्यूज़िक कंपनी सिर्फ एक ही नहीं सारी म्यूज़िक कंपनीज़ प्रोड्यूसर्स गिल्ड और um, म्यूजिशियस एक टेबल पर बैठ कर एक हल निकालेंगे तभी इसका कुछ फायदा निकले क्योंकि ये मुद्दा मेरी फिल्म के बारे में नहीं है ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा है फिल्म से भी बड़ा है अब मेरी फिल्म के साथ क्या होगा अब हम जितना कर सकते हैं कर रहे हैं कम से कम हम अपने म्यूजिक को अपने आप एक्सप्लॉयट भी कर सकते हैं तो हमारा लिमिटेशन नहीं है अब आगे जाके देखेंगे इसका कितना फायदा निकला है और फिल्म के ऊपर भी डिपेंड होता है वो कैसी फिल्म है रिव्यूज कैसे आते हैं सो लेट्स सी होपफुली सब अच्छा ही जाएगा मैं पॉजिटिव हूँ

और मैंने क्यों किया था क्योंकि मेरा बिलीफ था कि कम सम पब्लिसिटी इज बेटर देन नो पब्लिसिटी एंड दैट आई डेफिनेटली स्टैंड बाय के सम पब्लिसिटी इज गुड बेटर देन नो पब्लिसिटी इतना मैं कह सकता हूं अबे एट द सेम टाइम दैट यू वर फेसिंग दिस प्रॉब्लम शकेर सुमन फेस्ड दिस अ सिमिलर प्लाइट विद हार्टलेस वेयर हिज म्यूजिक आल्सो वाज नॉट रिलीज बट ही काइंड ऑफ चोज अ डिफरेंट स्टैंड ही वेंट अहेड एंड रिप्लेस द सिंगर्स वेरी कॉन्ट्रारी टू व्हाट यू डिड या बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू प्रूव इज दैट Whether, even if the issue is on the surface between the companies and the musicians, producers will continue to be affected by it.